उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीते 23 मार्च को जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिले के कसिया थाने के कुड़वा दिलीप नगर में टॉफी में जहर मिलाकर देने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। देखिए 23 मार्च 2022 को रात्रि जो है सिसई लठौर टोला में जो है 4 बच्चों की टॉफी खाने के कारण मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें हमारी फॉरेंसिक टीम और जो है डॉग स्क्वाड गया मौके पे, और जो हमारा ह्यूमन ट्रैकर डॉग है उसके द्वारा जो है इसमें जो नामित अभियुक्त थे प्रेम, उसके घर को आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ सर्च के बाद जो है 3 पन्नियों में जहरीला पदार्थ मिला और एक कटारी मिली जो कब्जे में फील्ड यूनिट द्वारा ली गई है। और इसमें वादी रसगुल्ला, जिसके 3 बच्चों की डेथ हुई, उसने उसके द्वारा प्रेम, बाला और चाबस 3 के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया। प्रेम का जो है रसगुल्ला के परिवार से पुरानी रंजिश चली आ रही है, 2014 में झोपड़ी जलाने का मुकदमा है, इसके अतिरिक्त कोर्ट में भी परिवाद है। इसके अतिरिक्त जो रसगुल्ला इसके वादी हैं, इनकी बहन मीरा की शादी इंद्रपति के यहाँ हुई थी और इंद्रपति जो मेन अभियुक्त थे इसका प्रेम खास है, उनके साथ भी इसकी रंजिश है। मेरठ के थाना रिसाड़ी गेट पे पति दूसरी शादी कर रहा था, तभी पत्नी ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। आरोप है कि चौवन कॉलोनी निवासी युवती ने 5 पहले कोतवाली निवासी युवक से शादी की थी, उसकी एक बेटी भी है। विवाहिता का अपने पति से विवाह चल रहा है, 2 से वो अपने मायके में रह रही है। जब महिला को अपने पति की दूसरी शादी होने की जानकारी हुई तो महिला शादी में पहुंची और जमकर हंगामा कर दिया। वहीं जैसे ही मौके पर पहुंची पुलिस, ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।